तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी इंक्लिनेशन पहले से ये थीटा दे रखा है और विद हॉरिजेंटली बॉडी ऑफ मास एम, ये एम मास की बॉडी है जो कि रेस्ट है ऑन इट। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है कोफिशियंट वो म्यू प्रेजेंट है, मिनिमम फोर्स अप्लाइड सो दैट बॉडी जस्ट मूव अप द इंक्लाइन प्लेन। देखो, हमें अगर बॉडी अगर फोर्स नहीं लगाते हैं, इस बॉडी का जो टेंडेंसी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते हो तो ये बॉडी तो नीचे आना चाहती है ना भाई। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, हमें बचना है ऐसा करने से। तो मैं जो फोर्स है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाऊँ, तो एक ऐसा समय ये जो फोर्स एफ लगा रहा हूँ, तो इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा तो एक ऐसा समय आ ही जाएगा कि इस बॉडी का जो टेंडेंसी है वो वर्टिकली अपवार्ड मूव करने लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो बस यही इसमें मतलब एक की पॉइंट था कि हमें कितना फोर्स, भाई ज़्यादा फोर्स लगा दोगे पगला ही जाओगे, तो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, हमें मिनिमम फोर्स लगाना है। तो चलो मान लो ये जो है वो मिनिमम फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूँ और अब ब्लॉक जस्ट ऊपर जाने वाला है, इससे ज़्यादा लगा दूंगा, ठीक है ना भाई, इससे ज़्यादा लगा दूंगा, मिनिमम फोर्स टू लग मूव द अब इससे ज़्यादा लगा दूंगा तो ऊपर तो चला जाएगा ना। तो भाई इतना मिनिमम है, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर जाने का। समझ में आया ये बात? तो एक तो फोर्स इधर आ गया, दूसरा कौन कौन से फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे? एन इधर लग रहा है और एम जी कॉस थीटा इस पे इधर लग रहा है, ठीक है, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, और एक इस फोर्स के अगेंस्ट लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक ना, और यह फ्रिक्शन जस्ट ऊपर जाने वाला है तो फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा होगा और मैक्सिमम इस टाइम लग रहा होगा, लिमिटिंग होगा क्योंकि जस्ट ऊपर जाने वाला है, इतना फोर्स निकालना है। तो कुछ नहीं, नेट एक्सलेशन अभी भी क्या है? जीरो है, नेट एक्सलेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है ब्लॉक का, समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। तो अब मैं इक्वेशन लिख देता हूँ बच्चों, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो एफ़ की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ़ की वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर टू की हमें ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अब हमें ये जो मिनिमम फोर्स टू मूव द अप हमें निकालना, यही तो पूछ रहा है। तो एम जी साइन थीटा तो यहाँ आ गया और प्लस यहाँ से म्यू एन, तो मैं यहाँ से देखूँ तो एम जी साइन थीटा और प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा यहाँ से ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो क्या कॉमन, हाँ यही तो हमें पूछ रहा था, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, दैट इज अपना डी ऑप्शन मैच कर जा रहा। इतना आपको फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक जस्ट वर्ज ऑफ मोशन चलने वाला ऊपर, इससे ज़्यादा लगाओगे तो चला जाएगा, इससे कम लगाओगे तो रुका रहेगा और फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। थैंक यू।